रेडमी वाई थ्री को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। रेडमी वाई थ्री में 6.26 इंच का HD प्लस 720x1520 पिक्सल डिस्प्ले है, 19:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ स्क्रीन 2.5D ग्लास और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। रैम के दो विकल्प है, 3GB और 4GB। अब बात कैमरा सेटअप की। रेडमी वाई थ्री एक डुअल रियर कैमरा हैंडसेट है। पिछले हिस्से पर f/2.2 अपर्चर वाला 12 MP का प्राइमरी सेंसर है। इसके साथ 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। रियर कैमरा सेटअप फेस डिटेक्शन, ऑटोफोक्स, PDAF, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और डुअल LED फ्लैश मॉड्यूल से लेस है। फ्रंट पैनल पर कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑटो HDR और AI पोर्ट्रेट मोड से लेस 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इनबिल्ट स्टोरेज के भी दो विकल्प हैं, 32GB और 64GB। दोनों ही वेरिएंट 512GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करेंगे। रेडमी वाई थ्री के कनेक्टिविटी फीचर 4G वॉल्यूटी, ब्लूटूथ 4.2, वाईफाई 802.11, माइक्रो USB और 3.5mm हेडफोन जैक शामिल है। IR ब्लास्टर और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर फोन का हिस्सा है। रेडमी वाई थ्री की कीमत 9,999 रुपये से शुरू होती है। इस दाम में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट को बेचा जाएगा। रेडमी वाई थ्री का एक और 4GB रैम व 64GB स्टोरेज वाला है। इसका दाम 11,999 रुपये है। स्मार्टफोन की पहली सेल 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। इस दिन हैंडसेट को Amazon India, Mi.com और Mi Home से खरीदा जा सकेगा।